नमस्ते सदा वसले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। आज की टॉप हेडलाइंस है, एलसीए MK2 और AMCA के ऑर्डर रेशियो को बदला जा सकता है। AK-203 राइफल का पहला बैच कल भारत को मिलने जा रहा है। भारतीय वायुसेना पूरी तरह से सक्षम है दो फ्रंट वॉर के लिए। चीन भारत को लद्दाख में उलझाकर इंडियन ओशन यानी कि हिंद महासागर पर कब्जा करना चाहता है। नेपाल की सत्ता बदलते ही बदल गए वहां के प्रधानमंत्री के सुर। पहली डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो वो आ रही है भारतीय वायुसेना को लेकर। भारतीय वायुसेना 170 तेजस MK2 और 120 AMC लेने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन अब जो खबर आई है उसके अनुसार ये जो रेशियो है 170 तेजस MK2 और 120 AMCA का, ये आंकड़ा बदल सकता है। लेकिन ये बात इस बात पर निर्भर करती है कि कैसे HAL डिलीवरी और मैनेज करेगा, क्योंकि अभी तक HAL का काम काफी स्लो चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ ADA पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को देख रही है और उन्हें तेजी से अपने साथ जोड़ रही है ताकि AMCA पर काम और ज्यादा आगे बढ़ सके और जल्दी AMCA की प्रोडक्शन लाइन को कोयम्बटूर में, लेकिन वहीं दूसरी तरफ तेजस मार्क 2 प्रोडक्शन लाइन HAL के साथ बड़े पैमाने पर जुड़ी हुई है। अगर तेजस मार्क 2 प्रोग्राम में कोई भी देरी आती है और इससे AMCA प्रभावित होता है तो तेजस मार्क 2 के ऑर्डर को AMCA मार्क 2 के फाइटर जेट्स में तब्दील किया जा सकता है, जिसका फुल स्केल प्रोडक्शन 2035 में हो सकता है। यानी कि ये बहुत अच्छा विचार भी है, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ी समस्या ये है कि HAL का जो काम है वो काफी स्लो है और इसी वजह से तेजस MK2 को बाद में AMCA MK2 में परिवर्तित किया जा सकता है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो कि AK-203 को लेकर आ रही है। जैसे कि आपको मैंने कल के डिफेंस अपडेट में बताया था कि भारत और रशिया के बीच जो AK-203 को लेकर जो चर्चा चल रही थी वो फाइनल हो गई है और इस सौदे की जो कुल लागत है वो है 5125 करोड़ रुपए। रशिया इसके पहले बैच को भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर भेज रहा है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो कि कोचिन शिपयार्ड को लेकर आ रही है। कोचिन शिपयार्ड INS विक्रांत के 6 सीरीज सी ट्रायल्स करने जा रहा है। इससे पहले जो 5 दिनों का ट्रायल किया गया था उसमें इंडियन नेवी के 2 अधिकारी और 4 अधिकारी कोचिन शिपयार्ड के INS विक्रांत के ऑन बोर्ड पर थे, जिसमें कि इसकी समुद्री सीमा को भी जांचा गया, यानी इसके स्ट्रक्चर, एकोमेंडेशन, स्पेस, वेट स्पेस और पिंड आदि का गहराई से अध्ययन किया गया। यानी इसमें ऑनबोर्ड इक्विपमेंट्स को नेवी के हिसाब से लगाया जा रहा है और इसकी परिचालन क्षमता 15,000 किलोमीटर है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो कि इंडियन एयरफोर्स को लेकर आ रही है। भारतीय वायुसेना के फॉर्मर डिप्टी एयर चीफ ने बताया कि इंडियन एयरफोर्स पूरी तरह से तैयार है दोनों दुश्मनों से लड़ने के लिए। मौजूदा फाइटर जेट्स की मौजूदगी से इंडियन एयरफोर्स दो फ्रंट वॉर सिनेरियो के लिए सक्षम है। ऐसा इसीलिए क्योंकि इंडियन एयरफोर्स के पायलटों को बेहतरीन ट्रेनिंग दी जाती है, दूसरा उन्हें ऑपरेशनल क्षमताओं के बारे में बताया जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि राफेल और दूसरा तेजस स्क्वाडन आने से इंडियन एयरफोर्स की फ्लीट की संख्या भी बढ़ी है और राफेल चाइना की एयरफोर्स के फाइटर जेट से बेहतरीन है। वहीं दूसरी तरफ S-400 दिसंबर तक भारत पहुंच रहा है, जो कि सीधा चाइनीज फाइटर जेट्स के लिए एक चुनौती है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो कि चाइना को लेकर आ रही है। दोस्तों, कुछ डिफेंस सूत्रों ने बताया कि चीन भारत के साथ चालाकी चल रहा है। चाइना की स्ट्रेटेजी ये है कि भारत को LAC पर बिजी रखा जाए तो दूसरी तरफ भारत के प्रभुत्व को हिंद महासागर में कम किया जा सके। डिफेंस सोर्सेस कहते हैं कि चीन ये बात जान चुका है कि जब से भारत और चाइना का गतिरोध हुआ है तब से भारत ने अपनी सेना और वायुसेना के लिए काफी कुछ उपकरण खरीदे हैं। साथ ही वो ये भी जानता है कि भारत ने अपनी नेवी के लिए इन्वेस्टमेंट कम कर रखी है। ऐसे में जैसे नौसेना को माइन स्वीपर्स, मल्टी रोड हेलीकॉप्टर्स और कन्वेंशनल सबमरीन चाहिए, तो ये बात चाइना अब जान चुका है। वैसे भी भारतीय नौसेना अपने बजट का इस्तेमाल इंस्टॉलमेंट और लीजिंग के हिसाब से कर रही है, जिसके तहत वो वॉरशिप्स और ड्रोन इक्विपमेंट्स वगैरह को ले रही है और यही वजह है कि काफी समय से कोई फ्रेश ऑर्डर नहीं दिया गया। लेकिन यहाँ पर एक बात और है कि भारत ने MH-60R हेलीकॉप्टर्स की डील भी कर ली है और उसके 2 हेलीकॉप्टर्स अगले महीने तक भारत पहुंच जाएंगे। इसके अलावा P-75I प्रोजेक्ट पर भी काम चल रहा है, तो काफी कुछ है लेकिन थोड़ा सा देर लग रही है। लेकिन ऐसे में चाइना बहुत अच्छी तरीके से भांप चुका है कि भारतीय नेवी इस वक्त उतनी ज्यादा आधुनिक नहीं हो रही है जितना कि भारत की वायुसेना और भारत की सेना हो रही है। तो ऐसे में दोस्तों बहुत जरूरी है कि भारतीय नौसेना पर भी फोकस किया जाना चाहिए। ऐसा है नहीं कि नहीं हो रहा, INS विक्रांत के ट्रायल शुरू हो चुके हैं, जो कहीं ना कहीं चाइना को जवाब है भारत का हिंद महासागर के क्षेत्र में। अगली अपडेट ITBP को लेकर आ रही है। ITBP के 20 जवानों को स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर वीरता पदक से सम्मानित किया गया है। उन्होंने LAC पर संघर्ष के दौरान पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी और गोगरा हॉट स्प्रिंग में चीनी सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी थी। ITBP के प्रवक्ता विवेक पांडे ने कहा कि ITBP को 23 वीरता पदक मिले हैं, जिनमें से 20 मई जून 2020 में पूर्वी लद्दाख की झड़पों के दौरान बहादुर सैनिकों को दिए गए हैं।
बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ जो कि नेपाल को लेकर आ रही है। नेपाल में अब नेपाली कांग्रेस की सरकार है। शेर बहादुर देउबा को पीएम बने 13 अगस्त को एक महीना पूरा हो चुका है। इससे पहले केपी शर्मा ओली वहां के प्रधानमंत्री थे, क्योंकि केपी शर्मा ओली के रहते भारत और नेपाल के बीच संबंधों में खटास आई थी। अब नेपाली कांग्रेस ने भारत और चीन को लेकर कहा है कि चीन एक स्पेशल पड़ोसी के रूप में भारत की जगह नहीं ले सकता। साथ ही उन्होंने कहा कि लिम्पिया धुरा काला पानी रिपुलेक मसले को बातचीत के जरिए सुलझाने पर जोर दिया जाएगा। हाल ही में पीएम देउबा ने अपने गठबंधन के सहयोगियों से मिलकर साझा न्यूनतम कार्यक्रम शुरू किया है। नेपाल ने पिछले साल भारत के 3 क्षेत्रों को अपने मैप में दिखाया था। हाल ही में एक रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल के पूर्व वित्त राज्य मंत्री और नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उदय शमशेर राणा ने कहा कि नेपाल पड़ोसी पहले के सिद्धांत पर काम करता है, इसके साथ ही और देशों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि नेपाल को बीजिंग की जरूरत है और चीन हमारा अच्छा पड़ोसी रहा है, लेकिन भारत स्पेशल है। चीन भारत की जगह कभी नहीं ले सकता और जो भी भारत और नेपाल के मतभेद है उन्हें बैठकर शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाया जाएगा। दोस्तों, नेपाल को लेकर भारत का कहना है कि नेपाल भारत के लिए स्ट्रैटेजिक महत्व रखता है। दोस्तों, नेपाल की सरकार बदलते ही सुर भी बदल गए और उनकी भाषा भी बदल गई। केपी शर्मा ओली को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और उसके बाद अब जिस तरीके से उन्होंने भारत को एक स्पेशल दोस्त कहा है जो कि चाइना की जगह नहीं ले सकता, तो ये कहीं ना कहीं चाइना के लिए भी संदेश है और केपी शर्मा ओली के लिए भी एक बहुत बड़ा संदेश है। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। बहरहाल, इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। ख्याल रखिएगा अपना। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।